हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे सलमान खान, कतरीना कैफ और इमरान हाशमी की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 को लेकर। फ्रेंड, इस टाइम हर तरफ सिर्फ टाइगर 3 की बज है, ग्राउंड लेवल बस आप सबके सामने है। बुक माय शो इंटरेस्ट इतना तेजी से भी भाग रहा है कि आपकी सोच है। हर एक घंटे के साथ बुक माय शो में अच्छा खासा हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी सिर्फ बात करेंगे टाइगर 3 के मच अवेटेड ट्रेलर की, जो कि मंडे 16 अक्टूबर को 12 PM पे नून में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड, हर तरफ इस वक्त टाइगर 3 के ट्रेलर की चर्चा है, क्योंकि फर्स्ट जो इसके रिव्यूज आए थे, जो कि CBFC के मेंबर्स ने दिए थे, हमने आपसे कल शेयर भी किए थे, वो माइंड ब्लोइंग थे। और अब जो रिव्यू देने वाला बंदा है वो और कोई नहीं, किंग खान शाहरुख खान है। यस फ्रेंड्स, क्या कहना था शाहरुख खान का टाइगर 3 का ट्रेलर देखने के बाद, हम आपको आज इस वीडियो में एज इट इज वर्डिंग्स के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड, सलमान खान और शाहरुख खान की फ्रेंडशिप किसी से ढकी छुपी नहीं। आप इन दोनों के सिर्फ एक दूसरे की मूवीज में कैमियोज ही देख लें। शाहरुख खान ने सलमान खान की मूवी ट्यूबलाइट में कैमियो किया और हम सबको पता है अब टाइगर 3 में भी उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो है। इसी तरह सलमान खान ने शाहरुख खान की फिल्म जीरो में कैमियो किया और इस ईयर पठान में कैमियो किया। सलमान खान को जवान मूवी का ट्रेलर पहले दिखा दिया गया था, जिसका सलमान खान ने रिव्यू भी दिया था। और अब इसी तरह YF के मेकर्स ने शाहरुख खान को टाइगर 3 का ट्रेलर दिखा दिया है। और शाहरुख खान का कहना था कि YF स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज आई हैं, जिनमें एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3, इन सब से 5 गुना ज्यादा कमाई करने जा रही है बॉक्स ऑफिस पे। और टाइगर 3 का स्केल और मैग्नीट्यूड उन बाकी 4-5 मूवी से काफी ज्यादा है। साथ ही साथ में शाहरुख खान का कहना था कि सलमान खान जो इस अवतार में दिखाई दे रहे हैं वो पहले कभी नहीं दिखाई दिए। फ्रेंड, इससे एक चीज की हमें हिंट मिलती है कि इस बार सलमान खान को थोड़ा एजिट, थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस दिखाया जाएगा, क्योंकि एक था टाइगर में उन्हें यंग बॉय दिखाया था, उन्हें प्यार हुआ था। टाइगर जिंदा में उन्हें थोड़ा सा मिच्योर मैन यानी अर्ली 40s की एज दिखाई गई थी। तो हो सकता है टाइगर 3 में उन्हें एटलीस्ट 45 या 50 एज का दिखाया जाए, तो फिर उस हिसाब से उनका एक्शन देखने को मिलेगा। फ्रेंड, शाहरुख खान का कहना था कि ये ट्रेलर और ये फिल्म ट्रेलर और फिल्म ऑफ द डेकेड होने जा रही है, यानी लास्ट 10 ईयर्स में हमें याद पड़ता है कितनी बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज आई हैं, जिनमें एक्शन जॉनर की भी आई हैं, सस्पेंस जॉनर की भी आई हैं, कॉमेडी मूवीज आई हैं, फैमिली ड्रामा मूवीज आई हैं। लेकिन शाहरुख खान का कहना था कि ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज होने जा रही है टाइगर 3, और ये बाकी तमाम मूवीज जो कि लास्ट डेकेड में आई हैं उनसे ज्यादा एक स्टेप आगे जाने वाली है। तो फ्रेंड, आप कितना एक्साइटेड हैं टाइगर 3 के ट्रेलर को लेकर कल के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।